फाउंडेशन है, लगा रही हूँ कलर बार का फाउंडेशन जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इट्स मी प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, आज मैं कोरियन मेकअप हैक्स ट्राई करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ आपके लिए। तो यार, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आप कोरियन मेकअप हैक्स ट्राई करो। तो गाइज, आज मैं कोरियन मेकअप हैक्स ट्राई करने वाली हूँ। एंड क्यूटीज़, कोरियन मेकअप हैक्स का कितना ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर, तो यार कोरियन मेकअप हैक्स ट्राई करके देखते हैं। मुझे उनके हैक्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। आपको पता है जो कोरियन मेकअप होता है कितना अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है गाइज। एंड क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे वो ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है जो मैंने बैकग्राउंड पर लगाया हुआ है फ्रेम, जो मैंने आपको दिखाया था मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तो यार वो क्यूट सा कोलाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वैसे तो यार आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे माय बर्थडे गिफ्ट्स। तो यार ये मैंने बैकग्राउंड पर लगा ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है सच में। एंड गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस टेस्टिंग हैक्स लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ छोटी सी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। वाओ क्यूटीज, कितना अच्छा हैक दिखाया है। मतलब आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से अपना आई मेकअप कर सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, लिपस्टिक प्लस आप कंटूर कर सकते हो ओनली वन लिपस्टिक के साथ। तो देखते हैं ये हैक रियल में कितना वर्क करता है और कितना नहीं। एंड गाइज, ये हैक ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ रेड कलर की लिपस्टिक, और सबसे पहले इसको हम आईज पर लगाएंगे, फिर मैं चिक्स पर लगाऊंगी और लिपस्टिक अप्लाई करके देखते हैं कि ये हैक कितना वर्क करता है गाइज। ओके क्यूटीज, तो सबसे पहले मैं इसको आईज पर लगाऊंगी, फिर मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा चिक्स पर लगा के देखते हैं, और थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपनी नोज पर। एंड यहां पर हमें बनाने हैं इसके टू हार्ट्स। यार मैं कार्टून लग रही होंगी गाइस। तो क्यूटीज, इसको मैंने नोज पर लगा लिया है, दो हार्ट बना लिए है, आईज पर अप्लाई कर लिया है, और मैं इसे लगाऊंगी लिपस्टिक। तो आप देख सकते हो अभी मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई हुई है। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। ओके क्यूटीज, तो लिपस्टिक मैंने लगा ली है, अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और उन्होंने फिंगर टिप से ही इसको ब्लेंड किया था, तो यार उन्होंने कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया था इसको ब्लेंड करने के लिए। तो मैं भी अपनी फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और ये उन्होंने दिखाया था कि आपको कॉन्टोरिंग करनी है लिपस्टिक के साथ, आप कॉन्टोर कर सकते हो गाइज। तो गाइज़, आप देख सकते हो नोज़ पे कितनी अच्छी कॉन्टोरिंग हुई है गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चिक्स पर मैं इसको अच्छे से स्मज करके देख लेती हूँ गाइज। क्यूटीज, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, कितना अच्छा ब्लश लगकर रेडी हो गया है यार। तो इधर से भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हो ब्लश कितना अच्छा लगा है, और यहाँ पर कंटूरिंग हो चुकी है लिपस्टिक। मतलब एक ही लिपस्टिक से आप इतना कुछ लगा सकते हो। और आई शेडो भी मैं ब्लेंड कर लूँगी सिर्फ फिंगर की हेल्प से। ओके क्यूटीज, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही लिपस्टिक से आप आई शेडो लगा सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, कंटूर कर सकते हो और लिपस्टिक लगा सकते हो। तो यार सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आपने देखा मेरा पूरा मेकअप हो गया यार। तो अगर बिगनर्स है, जो बिगनर्स है, मतलब इतना मेकअप अगर आप कर लेते हो तो यार आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स के लिए ये हैक बहुत अच्छा है क्यूटीज। मैं इस हैक को 10/10 देना चाहूँगी। और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हैक कैसा लगा। मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा।
ओके क्यूटीज, तो नेक्स्ट हैक में इन्होंने दिखाया है, अगर आपके पास कोई भी कलरफुल आईलाइनर ना हो तो इन्होंने दिखाया है कि आप अपनी लिक्विड लिपस्टिक से आईलाइनर डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखते हैं ये हैक ट्राई करके, और अब मैं लगा के देखती हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा लगता है। तो आपको बिल्कुल कॉर्नर्स पर लगाना है थोड़ा सा। ओके क्यूटीज, तो आप देख सकते हो ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हो, बट मुझे ये कुछ हैक ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज़ मैं ऐसा कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ अपने फेस पर। तो मुझे लाइनर सिर्फ ब्लैक कलर का ही अच्छा लगता है या फिर दूसरे आईलाइनर्स, तो यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन मैंने कभी नहीं बनाए हैं। बट ये ओके लग रहा है, फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है। आप ये हैक ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आप दोनों साइड मत लगाना, सिर्फ एक ही साइड लगाना। दोनों साइड लगाओगे तो बहुत वियर्ड लगेगा। एक साइड लगा के ऐसे ये हैक ट्राई कर सकते हो। बट क्यूटीज, अगर आप पार्टी में जा रहे हो, कुछ ऐसा थीम सा मेकअप करना चाहते हो, कलरफुल आईलाइनर आपके पास ना हो, तो आप ऐसे लिक्विड लिपस्टिक से ये डिज़ाइन बना सकते हो। इट रियली वर्क्स। एंड क्यूटीज, नेक्स्ट हैक में इन्होंने अपने लिप्स को स्मॉलर दिखाने के लिए यूज़ किया है कंसीलर का। तो ये हैक हम ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास 2-in-1 कंसीलर है, तो ये हैक हम ट्राई करके देखते हैं। मैं सबसे पहले लगाऊंगी कंसीलर, बिल्कुल कॉर्नर्स पर आपको लगाना है, ज़रा सा बहुत ध्यान से लगाना है गाइज, ताकि आपकी लिपस्टिक ख़राब ना हो जाए। एंड बिल्कुल कॉर्नर्स पर लगाना है गाइज। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कॉर्नर पर मैंने लगा लिया है। अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे क्यूटीज। और ब्लेंड करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्लेंड करोगे आपको नीचे से ब्लेंड करना है, इसको पूरा ऊपर से नहीं करना है, नीचे से ब्लेंड करना है। वाओ क्यूटीज, तो आप देख सकते हो यार बिल्कुल कोरियन लुक लग रहा है। सच में मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा यार। आप देख सकते हो कितने प्यारे लिप्स की शेप कितनी अच्छी लग रही है, प्लस ये बिल्कुल मैट लिपस्टिक का इफेक्ट दे रही है क्यूटीज। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार ये वाला हैक, तो मैं बार बार ट्राई करूँगी। बहुत कंसीलर लगाने से आप देख सकते हो बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है, लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया है, और बहुत ही मैट इफेक्ट दे रहा है, कितना क्यूट सा इफेक्ट दे रहा है यार। मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बार बार ट्राई करूँगी यार, और मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था ये हैक। तो बिल्कुल यार कोरियन से लिप्स लग रहे हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला हैक। आप ट्राई कर सकते हो, कितने प्यारे लग रहे हैं यार सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये कलर कितना प्यारा लग रहा है लिपस्टिक का यार सच्ची में, आप देख सकते हो। ओके क्यूटीज, तो सबसे पहले आपको फ्रंट से अपने हेयर्स ले लेने हैं। तो ये हैक हम ट्राई करके देखते हैं कि अगर आपको हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम होती हो तो आप ऐसे हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आप देख सकते हो सारे हेयर मैंने पीछे कर लिए हैं अपने फ्रंट से। आपको यार एक तो मैंने लेज़र कटिंग करवाई हुई है गाइस, तो हो सकता है मुझसे अच्छे से ये ना बने, और यहाँ पर इसको अच्छे से पकड़ के आपको रबर बैंड डालनी है गाइस। और देखते हैं ये हैक, वैसे मुझे लगता है बन जाएगा यार, अगर आपके हेयर्स इक्वल पोजीशन में है ना तो ये 100% बन जाएगा। बट मेरे हेयर्स थोड़े से छोटे हैं गाइस, तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि थोड़े से आपको यहाँ से पकड़ने हैं और थोड़े से हेयर और लेके आने हैं, फिर हम इसमें एक रबर बैंड और डालेंगे। तो मैं एक रबर बैंड डालूँगी इन दोनों के अंदर। मेरे हेयर यार थोड़े से छोटे हैं, बट अगर आपके हेयर बड़े हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड लास्ट हम इधर वाली साइड भी ऐसे ही एक और ब्रेड बना लेंगे। बड़े छोटे हेयर है यार, छोटे हेयर होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है सच में। क्यूटीज जिनकी लेयर कटिंग होती है उनको बहुत प्रॉब्लम आती है सच में, मेरी लेयर कटिंग मैंने करवाई हुई है यार। तो यार देखने में मुझे इनका हैक ये वाला बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। तो गाइस अब ये मैंने 3 बनाए हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। इसको मैं बैक लेके जाके देखती हूँ कि कैसा डिज़ाइन टर्नड आउट होगा। तो
देखते हैं क्यूटीज बैक से इसका डिज़ाइन कैसा होगा। फ्रंट से तो आप देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, तो फ्रंट से तो मुझे ये हैक बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हेयर स्टाइल लग रहा है। बट बैक से देखते हैं इसका लुक कैसा होगा गाइस। और फ्रंट से आप जितने लूज़ रखना चाहते हो आप ऐसे लूज़ रख सकते हो, हल्के से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बैंग्स अगर आप रखना चाहते हो फ्रंट पे ऐसे आप बैंग्स भी रख सकते हो। और बैक से मैं दिखाती हूँ इसका लुक कैसा होगा। क्यूटीज तो ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरे थोड़े से बाहर निकल रहे हैं हेयर्स बिकॉज मेरी लेयर कटिंग करवाई हुई है गाइस। अगर आपके इक्वल पोजीशन में हेयर है तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। तो मैं अभी यार बोर हो चुकी थी, ये क्यूट सा हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थोड़े से मेरे हेयर निकल चुके हैं फ्रंट से भी बिकॉज वो कटिंग की वजह से गाइस, मेरी लेयर कटिंग मैंने करवाई हुई है। बट क्यूटीज ये हैक मुझे अच्छा बहुत लगा, आप ऐसा हेयर स्टाइल बना सकते हो फ्रंट पे रबर बैंड्स लगाकर। अगर आपको बैक से हेयर बनाने में प्रॉब्लम होती है, हेयर स्टाइल करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप फ्रंट से ऐसे रबर बैंड्स लगा के ईजिली हेयर स्टाइल बना सकते हो, इट रियली वर्क। और अब हम हमारा लास्ट हैक ट्राई करेंगे जो कि बहुत ही पता नहीं कैसा होने वाला है यार, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा वो वाला हैक, बहुत यूनिक सा हैक होने वाला है यार। लास्ट में अपने मेकअप को ग्लॉसी ग्लोइंग बनाने के लिए इन्होंने ट्राई किया है एक ज़बरदस्त हैक, तो देखते हैं वो हैक कैसा टर्न आउट होगा। तो बिल्कुल लास्ट में अपने मेकअप को ग्लॉसी और पूरा फिनिशिंग लुक देने के लिए इन्होंने यूज़ किया है शीट मास्क और फाउंडेशन का। तो गाइज अगर आपका ये वाला हैक पास होता है तो लास्ट में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेकअप फिक्सर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हैक अगर पास होता है तो आपका मेकअप बहुत ही ग्लॉसी होने वाला है गाइज। तो सबसे पहले मैं शीट मास्क लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे फाउंडेशन। यार बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे ये वाले हैक्स, बट क्यूटीज ऐसा ना हो कि जो मेकअप मैंने कर रखा है सारा का सारा ख़राब हो जाए ये मास्क लगाने के बाद। तो देखते हैं कैसा होगा ये हैक। अब मैं लगाने वाली हूँ शीट मास्क, उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा फाउंडेशन, तो देखते हैं ये है कैसा होगा। तो क्यूटी शीट मास्क मैंने लगा लिया है, अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ कलर बार का फाउंडेशन जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। और आपको क्या लगता है इससे कुछ होगा? मुझे तो लगता नहीं इससे कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है यार मैं अपना मेकअप ही खराब कर लूंगी सारा। ओके क्यूटीज, तो मैंने काफी सारा लगा लिया है, आप देख सकते हो इसको अच्छे से फिंगर टिप से ही हमें ब्लेंड कर लेना है जैसे उन्होंने दिखाया था। यार मुझे तो नहीं लगता ये हैक वर्क करेगा, सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि कैसा होगा मेरा मेकअप। अगर ग्लोसी होता है तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा हैक होने वाला है गाइस। जिसको ब्लेंड करते टाइम ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं सारा फाउंडेशन मेरी फिंगर टिप्स पर आ रहा है, तो इसको देखें उतार कर। तो आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड मैंने कर लिया है क्यूटी, इसको उतार के देखते हैं अब कैसा होगा ये फाउंडेशन। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। तो क्यूटीज़ ये वाले हैक के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगे इसके रिज़ल्ट। यार मतलब फेस पर तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, बट यार इतना फाउंडेशन ख़राब होगा मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देख आप देख सकते हो सारा फाउंडेशन इसके ऊपर लग चुका है, तो यार जितना फाउंडेशन हमने लगाया सारा इसके ऊपर आ गया है, इतना फाउंडेशन आप ख़राब करोगे। कुछ भी मेकअप फिक्सर का यूज़ कर सकते हो, मेरे लिए तो यार ये हैक फेल हो चुका है, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इतना फाउंडेशन ख़राब हो गया है गाइस। और मुझे ये वाले हैक से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट आप देख सकते हो सारा फाउंडेशन ख़राब, इतना ज़्यादा वेस्ट करोगे प्लस आप शीट मास्क वेस्ट करोगे यार।
तो इतना रिजल्ट तो मुझे नहीं लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट दे रहा है ये ग्लोसी सा मेकअप आपका, बट क्यूटीज इसके कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे नहीं लग रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से ये हैक है, फेल, आप ये हैक ट्राई मत करना। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और आज के कोरियन मेकअप हैक्स मुझे ऑलमोस्ट सभी अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे इनके सारे हैक्स। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनके हैक्स कैसे लगे। और अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और आज की वीडियो में मैं जिन पर्सन को शार्ट आउट देने वाली हूँ उन पर्सन के नेम है प्राची चौधरी, गोविंद एंड स्नेहा। द शार्ट आउट टू यू गाइस। एंड अगर आप सब भी चाहते हैं मैं आने वाली वीडियोस में किसी भी 3 पर्सन को शार्ट आउट करूँ तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी करना है। एंड गाइस, अगर प्लीज़ आपको मेरी ये छोटी सी क्यूट सी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिल्कुल फ्री है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। ओके क्यूटीज, एंड टेक केयर, बाय बाय।